हेलो गाइस, हाउ यू ऑल। आई होप एवरीवन इज इंजॉयिंग देयर लाइफ। और गाइस, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। गाइस, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इन इंट्राडे सीरीज की वीडियोस में। और गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम यहाँ पे डेली दो स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं जो कि नेक्स्ट डे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखा पाए। और हमने कई बार ऐसे स्टॉक में जो है वो प्रॉफिट्स भी बुक की है। आप हमारी पिछली वीडियो के कमेंट सेक्शन देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 21 अक्टूबर, 20 अक्टूबर। हम एवरी डे यहाँ पे जो है वो एक वीडियो लेके आते हैं जिसमें हम नेक्स्ट डे के इंट्राडे स्टॉक्स पे चर्चा करते हैं। गाइस, यहाँ पे वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट जो कि मैं हर वीडियो में करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप नए हैं इस यूडी ट्रेंड चैनल पे, और साथ ही में आप बेल आइकन दबा दें ताकि हम जब भी कोई नई अपडेटेड वीडियो लेके आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो गाइस, कई लोग ये पूछते हैं टेलीग्राम पे कि सर आपका नेक्स्ट मंथ का जो ओपिलेंट बेच है या फिर आपका नेक्स्ट मंथ का जो पेड ग्रुप है वो कब से चालू होने वाला और क्या प्रोसेस रहेगा। तो उन सब लोगों को बताना चाहूंगा कि अब से गाइस आप जब भी चाहें पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आप जिस भी दिन ज्वाइन करेंगे नेक्स्ट मंथ के सेम डे तक आप जो है 30 डेज का जो पूरा फायदा है वो उठा पाएंगे। और साथ में गाइस बता दूं कि हमने यहाँ पे अभी फ्रंट पेज एक वेबसाइट है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे हमने कंप्लीट सेटअप कर दिया है पेड कॉन्सेप्ट का। ये वेबसाइट सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बनी है, तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका भी। और गाइज, आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर दें, जिसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिंक फ्रंट डॉट पेज, आप सीधा गूगल प्ले स्टोर में लिखेंगे फ्रंट पेज तो आपको ये एप्लीकेशन दिख जाएगा, ये लोगो देख सकते हैं आप, और उसे डाउनलोड कर देना है। और सिंपली सर्च में आपको यूडी ट्रेंड सर्च करना है, आपको हमारा ये पेज जो है वो दिख जाएगा। गाइज, आप देख सकते हैं हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कुछ कॉल्स भी दिए थे जो कि कम्प्लीटली फ्री थे, लेकिन यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे या फिर इस पर्टिकुलर ऐप पे ही आपको पेड कॉन्सेप्ट ज्वाइन करना है। तो गाइज, इस महीने की आखिरी तारीख तक हम यहाँ पे लगा देंगे एक सर्विसेज टैब जिसको आप क्लिक करके अपना पेमेंट प्रोसेस कर सकते हैं और आप ज्वाइन हो जाएंगे हमारे पेड ग्रुप में, वो भी सिर्फ इस वेबसाइट पे फ्रंट डॉट पेज, ठीक है। आप चाहें तो ऑनलाइन वेब पेज खोल के बैठ सकते हैं और अगर आप चाहें तो मोबाइल में जो एंड्रॉयड ऐप है उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। गाइस, बहुत ही फास्ट रहेगा। आप जैसे व्हाट्सएप पे आपको कॉल आ रहे थे अब तक, कई लोग हमारे एग्जिस्टिंग मेंबर भी हैं ओपलेंट ग्रुप में तो उनको पता होगा, उसी से सिमिलर है और ये बहुत ही फास्ट है। जैसे ही हम लाइव कॉल देंगे आपके मोबाइल में पॉपअप हो जाएगा मैसेज और आप उसको यूज़ कर सकोगे आपके लाइव ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। आपको सिंपली अभी जाके इस यूडी ट्रेंड की प्रोफाइल को फॉलो कर देना है ताकि हम जब भी सर्विसेज टैब चालू कर दें यहाँ पे पेड कॉन्सेप्ट, तब आपको अपडेट जो है वो डायरेक्टली मिल जाएगा। गाइस, देख सकते हैं अभी जो फॉलोवर्स है वो 73 हैं, हमने कल ही इसको ज्वाइन किया है और यहाँ पे कुछ कॉल्स पे हमने काम भी किया था। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ फर्स्ट डे का हमारा पोजीशन जो इसमें हमने लिया था वो दिखाने की कोशिश करूंगा मैं। तो यहाँ पे हमने ये काम किया है जो कि यहाँ पे एक सैंपल होता है, यहाँ पे हम जो कॉल शेयर करते हैं लोगों को दिखते हैं और वो अपना काम इसके हिसाब से कर सकते हैं। तो आप इस वेबसाइट पे जाके या फिर इस पर्टिकुलर ऐप को डाउनलोड करके हमें फॉलो जरूर कर दे गाइज। और अगर आप हमारे टेलीग्राम यूजर हैं तो आपको यहाँ पे लिंक मिल ही जाएगी, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे लिंक शेयर की हुई है, ठीक है। तो इस लिंक से भी आप डायरेक्ट जाके ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और फिर आप वहाँ पे हमें फॉलो कर सकते। तो गाइज, आप सबको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करेंगे कि आप हमेशा प्रॉफिट करते रहें स्टॉक मार्केट से। तो गाइज, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, जितने भी पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं उनको हमें यहाँ पे फॉलो जरूर करना होगा, तभी आप हमें ज्वाइन कर पाओगे पेड कॉन्सेप्ट को। तो एक बार फिर बोल दूंगा कि अगर आप चाहते हैं हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन करना तो आप फ्रंट पेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर दें और हमें वहां पे फॉलो कर दें। तो चलिए गाइस, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और देखते हैं कि कल के लिए कौन से हैं खास स्टॉक जिसमें हम इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाएं। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, हमने यहाँ पे सबसे पहला स्टॉक लिया है सिप्ला। और गाइस, सिप्ला अच्छा परफॉर्म कर सकता है कल के दिन में एज पर चार्ट व्यू बोलो आप या फिर एज पर ट्रेंड व्यू की अगर हम बात करें। तो गाइस, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं सिप्ला का ये पर्टिकुलर सपोर्ट जो है वो बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है और उसके बाद स्टॉक ने बहुत बार यू टर्न लिया है, यानी कि अप ट्रेंड दिखाया है जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ पे भी रिसेंटली गाइस आप देख सकते हैं एक हमें यहाँ पे सेम सपोर्ट लेवल पे आके स्टॉक ने यू टर्न दिखाया है और फिर एक डाउन ट्रेंड सा हमें देख के स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। तो पूरी पूरी उम्मीद है कि स्टॉक थोड़ा अच्छा मूवमेंट हमें दिखा सकता है कल के लाइव मार्केट सेशन में, तो इस पे नजर जरूर रखिएगा। सिप्ला को अपनी वॉच लिस्ट में रखिएगा जरूर, उम्मीद करता हूँ सबके वॉच लिस्ट में होगा सिप्ला, लेकिन कल आप इसमें अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एक बार फिर बोलना चाहूंगा 2 से 3 या फिर 4 मैक्सिमम 5 रुपीज तक का कॉन्सेप्ट यानी कि टारगेट बेस रख के आप इसको चला सकते हैं इंट्राडे में, ठीक है। कई लोग ऐसे होते हैं जो 2 रुपए 3 रुपए के टारगेट में भी एग्जिट ले लेते हैं, तो उन लोगों के लिए ये स्टॉक खास हो सकता है। साथ ही अगर बात करें इसके इंडिकेटर व्यू की तो सभी चीजें नॉर्मल है गाइज, वी कैन कंसिडर सिप्ला फॉर नेक्स्ट डे। चलिए बढ़ते हैं गाइज इसके इंट्राडे सेटअप की और समझते हैं कि कौन से बेस पे हमें कल इसमें एंट्री और एग्जिट लेना है।
तो जैसे गाइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे सीपला आपके सामने रख दिया है। और एंट्री लेवल की हम बात करें तो हमने अभी करंट मार्केट प्राइस के बेस पे समझाने की कोशिश की जा रही है आपको। टारगेट आप देख सके गाइज, नियरली 5 पॉइंट का हमने टारगेट रखा है। स्टॉप लॉस भी गाइज हमने यहाँ पे 5 पॉइंट का रखा है, मतलब 1:1 जो रेशो है उसको मेंटेन करके काम कर रहे हैं। इसको इंट्राडे के लिए अभी चर्चा कर रहे हैं गाइज, और यहाँ पे अवॉइड लिखा है टिल 10 AM। ठीक है, तो 10 बजे तक तो आपको वॉच ही करना है, स्टॉक कोई भी मूवमेंट दे सकता है, तो 10 बजे तक आप सिर्फ इसको वॉच करिए, 10 के बाद ही आपको काम करने की कोशिश करनी है। और गाइज यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, उस नोट को पूरा रीड कर ले वीडियो को पोस्ट करके, और इसे समझने की कोशिश जरूर करिएगा। नोट में बहुत ही अच्छी बातें छिपी होती हैं जो आपको डेली रूटीन में एक बेसिक आइडिया देंगे कि कैसे आपको लाइव ट्रेड में काम करना है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेटेजी बताई गई है इस पर्टिकुलर नोट में कि सिप्ला के ट्रेंड में कल हमें कैसे काम करना है। साथ ही इस वीडियो में बताना चाहूंगा कि अगर आप डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, ज़ेरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, जो भी आप खोलना चाहते हैं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू ज़ेरोधा अपस्टॉक खोलते हैं तो आपको ऐड कर दिया जाएगा एक टेलीग्राम चैनल में, जहां पे डेली जो पेड कॉल्स हैं वो आपको दिए जाएंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, तो अगर आप भी चाहते हैं कोई डीमैट अकाउंट खोलना तो जरूर हमारे लिंक से खोलिएगा, आपको 1 मंथ का पेड कॉल्स भी दिया जाएगा। चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर और देखते हैं कौन सा है दूसरे नंबर का स्टॉक जिसमें हम कल इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर पाएंगे। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का हमने जो स्टॉक लिया है वो है कोटक महिंद्रा बैंक। गाइस कुछ दिन पहले भी हमने कोटक महिंद्रा पे चर्चा की थी, उस दिन कोटक ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हमें दिखाया था। आज फिर यहाँ पे हम चर्चा करने वाले हैं कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में, और गाइस यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कल पूरी पूरी देखने को मिल रही है कोटक महिंद्रा बैंक में एक अच्छी अपसाइड मूवमेंट की, तो नजर इस पे जरूर रखनी है। यानी कि 16th of October से स्टॉक ने कंटिन्यूज हमें एक ट्रेंड दिखाया है अपर साइड। और गाइस जैसे कि आपको पता है बैंक निफ्टी जब भी हल्का सा परफॉर्म करने लगता है तो कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छी मूवमेंट देता है, तो यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि आपकी नजर बैंक निफ्टी पे भी होनी चाहिए अगर आप कोटक महिंद्रा में इंट्राडे अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कल कोटक महिंद्रा एंड सिप्ला दोनों अपनी नजर में रखनी है। गाइज यहाँ पे एक्सप्लेन करने का कुछ खास है भी नहीं चार्ट पे, और गाइज अगर टेक्निकली कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कई व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको टेक्निकली कॉन्सेप्ट से कोई मतलब नहीं होता है, उन्हें सिर्फ स्टॉक के ट्रेंड के बारे में समझने की आदत होती है। तो यहाँ पे फिर बताना चाहूंगा कि अगर आपको टेक्निकल पार्ट सीखना है तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, धीरे धीरे वीडियोज आएंगी। ये जो पर्टिकुलर सीरीज है यहाँ पे सिर्फ सजेशंस हमारे शेयर किए जाते हैं जिसको आप देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही यहाँ बताना चाहूंगा कि जो भी स्टॉक हम ले रहे हैं उसके इंडिकेटर्स व्यू एंड कंप्लीट एनालाइज होके ही आपके सामने आएगा, डायरेक्ट कोई चीज नहीं आएगी। गाइस साथ ही कोटक महिंद्रा के इंट्राडे सेटअप को देख लेते हैं और समझते हैं कि कौन से गैप में हमें कल इसमें काम करना है। तो जैसा कि गाइस आप देख पा रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक यहाँ पे आपके सामने रख दिया है, और बाइंग लेवल की बात करें तो सेम करंट मार्केट प्राइस के बेस पे यहाँ पे बताया जा रहा है। और अगर बात करें हम टारगेट की गाइस, 10 पॉइंट का टारगेट एंड 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस, इस रेशो को समझना है। सेम 1:1 रेशो के हिसाब से 10 का टारगेट 10 का स्टॉप लॉस लेके चलना है। इंट्राडे के लिए चर्चा हो रही है, एंड बैंक निफ्टी अगर डिक्लाइन करता है तो कल कोटक को अवॉइड कर देना। फिर बोलूंगा अगर बैंक निफ्टी डिक्लाइन करता है तो कल कोटक बैंक को अवॉइड कर देना। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे सिंपल स्ट्रेटेजी बन रही है, बैंक निफ्टी पे नजर रखते हुए कल हमें कोटक में काम करना है। अगर बैंक निफ्टी पॉजिटिव है तो कोटक में अपॉर्चुनिटी ढूंढने की पूरी पूरी कोशिश करनी है। साथ ही गाइस अगर आप क्लियर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो इस नोट को रीड जरूर कर ले। गाइस यहाँ पे दोनों स्टॉक होते हैं कंप्लीट, और उम्मीद करेंगे कि आप कल एक अच्छे प्रॉफिटेबल ट्रेड से गुजर पाए। कोई भी डाउट या सुझाव है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, आप अपने क्वेश्चन भी टेलीग्राम पे पूछ पाएंगे। गाइस गाइस एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, फ्रंट पेज पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वहां पे बहुत सही इन्फॉर्मेशन शेयर की जाएगी डेली बेसिस पे। तो चलिए गाइस मिलते हैं इसी के साथ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।